Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. पिछले साल तनुश्री दत्ता ने एक्टर नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था। इस शॉकिंग रेवलेशन के बाद मानो इंडस्ट्री का घिनौना और शर्मनाक चेहरा सबके सामने आने लगा, जब एक के बाद एक मी टू कैंपेन के जरिए सब अपनी कहानी रिवील करने लगे। तनुश्री दत्ता का कहना है कि साल 2009 में हॉर्न ओके प्लीज के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया था। इस शॉकिंग रेवलेशन के बाद इंडस्ट्री में इस इशू पर ओपिनियंस डिवाइड हो गए और तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ ऑफिशियली पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज की थी। पर अब इस बात को काफी समय बीत चुका है और मुंबई पुलिस ने अब इनसफिशिएंट एविडेंस का कारण देते हुए क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर दी है। मगर इसके बाद भी तनुश्री ने हार नहीं मानी, वो इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल बस इतना ही, मगर इस तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर की कॉन्ट्रोवर्सी स्टोरी पर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कॉमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए।